अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आज दान का आज। आज हम आपके क्वेश्चंस आंसर करेंगे। एक सीरीज़ कर रही हूँ जिसमें आपके जितने भी सवालात होंगे उनको दो दो तीन तीन करके आंसर करती रहा करूँगी, ताकि आपकी भी हेल्प होती रहे। इससे पहले कि हम आगे चलें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, रिंग नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएँ। सर, लाइनक्स का अपवर्क पर क्या स्कोप है? लाइनक्स एक कोडिंग लैंग्वेज है एंड इट्स गुड कोडिंग लैंग्वेज। किसी भी चीज़ का अपवर्क पर स्कोप चेक करने के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपवर्क का सर्च फिल्टर इस्तेमाल करें। आप सर्च में जाकर टाइप करें और जब उसको एंटर करेंगे तो आपको नज़र आ जाता है कि उसके अगेंस्ट कितनी जॉब्स पोस्टेड हैं। उसके अगेंस्ट आप टॉप प्रोफाइल्स भी जाके देख सकते हैं, उन प्रोफाइल्स पे लोगों ने कितनी अर्निंग की हुई है, ये भी आपको नज़र आ जाता है। आप हर प्रोफाइल पे जाके देख सकते हैं कि अगर ये लाइनक्स का बंदा है तो इसको कितने प्रोजेक्ट्स मिले हैं, पर प्रोजेक्ट इसने क्या अर्निंग की है एंड एवरेज रेटिंग क्या है इस तरह के प्रोजेक्ट्स की। फिर अगर हम फॉर एग्जांपल लिखते हैं वेब डिज़ाइनर और वहाँ पर सर्च करते हैं तो हमें लिखा नज़र आ रहा है 42,000 जॉब्स पोस्टेड, 200 जॉब्स पोस्टेड, 300 जॉब्स पोस्टेड। सो यू कैन ईजिली गो एंड सी किसी भी चीज़ का स्कोप। अगर आप अपवर्क पे सर्च करना चाहते हैं तो आप अपवर्क पे जाएं, उसको सर्च करें और जॉब पोस्टेड के अगेंस्ट आपको नज़र आ जाएगा कि उस पर कितनी जॉब्स पोस्टेड हैं। बल्कि आई वुड से कि आप टॉप वन टू पेजेस को पढ़ के भी देखेंगे उसमें क्या क्या जॉब्स पोस्टेड हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जो काम करना चाह रहे हैं या जो टूल या जो लैंग्वेज जो चीज़ ऑफर कर रहे हैं उसका क्या स्कोप है और वो किस ज़ुमरे में अपवर्क पर इन डिमांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में गाइड करें। वर्चुअल असिस्टेंट सिंपली जिस तरह हर बंदे का एक असिस्टेंट पर्सनल असिस्टेंट होता है। पहले ज़माने में हम देखते हैं कि मूवीज़ में, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, कॉर्पोरेट कल्चर में एक पीए होता है। हर चीज़ में पीए आके कह रहा था, सर जी ये साइन कर दें, सर ये कर दें, सर इसको ये नहीं करना, मैडम साइन कर दें, मैडम यूँ इशारे कर रहा होता है ना। कुछ ना कुछ पीए हमेशा एक होता है, खाकी सी वर्दी पहनी होती है, ये सफारी सूट और फाइलें लेके फिरता रहता है। तो इसी तरह एक वीए होता है। चूँकि अब दुनिया वर्चुअल हो चुकी है, सारा काम ऑनलाइन होता है, रिमोट वर्क का कॉन्सेप्ट है, तो जो पीए की पोस्ट थी अब वो वीए ने ले ली है। जो पर्सनल असिस्टेंट था वो वर्चुअल असिस्टेंट बन गया है। वो पर्सनल असिस्टेंट ही सिंपली वो वर्चुअली काम कर रहा है, वो घर से काम कर रहा है। सो वर्चुअल असिस्टेंट का काम क्या होता है? उसने मीटिंग बुक करनी है, उसने अपॉइंटमेंट्स बुक करनी है, उसने टाइम स्केड्यूल करना है, उसने रिमाइंडर देना है कि आपके दिन आज के दिन की ये कमिटमेंट्स हैं। उसने अगर आपकी कोई स्पीकिंग एंगेजमेंट्स हैं, कोई आपके कोई भी फर्दर मीटिंग्स हैं, कोई डील्स हैं, कुछ भी है, तो उसने आपके बिहाफ पे आपका स्केड्यूल देखना है, आपका कैलेंडर देखना है, आपके नोट्स लेने हैं और इसके अलावा जो भी काम आप उसको कहें। यानी अगर आप उसे कहते हैं कि डाटा एंट्री करनी है, इतने लोगों जितने लोगों के मुझे ईमेल आया उन सब की एक लिस्ट बना के दे दो, उन सब के फ़ोन नंबर्स मुझे चाहिए, तो फिर ये वीए का काम है, जो आपने उसको डाटा प्रोवाइड किया है वो उसको करेगा। सो जिस तरह आप पर्सनल असिस्टेंट होता है उसी तरह वर्चुअल असिस्टेंट होता है। हाँ, अमेजोन के मामले में वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब डिटेल्स थोड़ी मजीद स्पेसिफिक हो जाती हैं कि उन्होंने प्रोडक्ट की हंटिंग करनी होती है, लिस्टिंग करनी होती है, ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है। लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि वीए सिर्फ अमेजोन तक लिमिटेड हो। वीए किसी भी जगह ई कॉमर्स स्टोर्स में आपके लिए काम कर सकता है, सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पे आपका काम कर सकता है। सो वीए इज बेसिकली आपका वर्चुअल असिस्टेंट, जिसको आप जो काम देते हैं वो आपका वो काम कर रहा होता है। अच्छा जी, नंबर 6 पे क्वेश्चन है, व्हाट इज दी न्यू फ्रीलांसर वेबसाइट? क्वेश्चन मुझे तो समझ नहीं आया। दी न्यू फ्रीलांसर वेबसाइट, freelancer.com एक वेबसाइट है फ्रीलांसर्स की। फाइवर है, अपवर्क है, गुरु है, टॉपटॉल है। उसके अलावा हम देखते हैं रोज़ नए नए प्लेटफॉर्म्स, टास्क रैबिट है, कॉन्टेंटली है, डिज़ाइन क्राउड है, डिज़ाइन 99 है और बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं। आई फ्रीलांस है। सो अगर आप गूगल पे जाएं, सिंपली लिखें न्यूएस्ट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, तो आपके सामने लिस्ट ऑफ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स आ जाएंगी। इट्स वेरी सिंपल। मेरी रिकमेंडेड फिर भी अपवर्क एंड फाइवर टॉप रिकमेंडेड हैं। और अगर आप डिज़ाइनर्स हैं तो फिर डिज़ाइन क्राउड और डिज़ाइन 99 बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। उम्मीद है कि आपके क्वेश्चंस आंसर ज़रूर हो गए होंगे। अगर मज़ीद कोई सवाल आपके जहन में आता है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आप आज दान काश में मैसेज कर सकते हैं, आप हमारे ग्रुप्स में हमसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मोहब्बतें बांटें। अल्लाह हाफिज़। दान काश.com 0304 111 5786